फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आई नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध गाड़ी से बरामद हुई धमकी भरी चिट्ठी। मुंबई में बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर के बाहर बीते दिन मिली संदिग्ध कार से जुड़े मामले की जांच की जा रही है। इस बीच गाड़ी से जो चिट्ठी बरामद की गई थी, उस चिट्ठी में कहा गया है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, नीता भाभी, मुकेश भैया, ये तो सिर्फ एक झलक है, अगली बार सामान पूरा होगा, तुम्हारे पास आएगा और पूरा इंतजाम हो गया है। वहीं क्राइम ब्रांच और ATS की टीम इस मामले को खंगालने में जुटी हुई है। व्यापारी ट्रांसपोर्टर्स के भारत बंद का देशव्यापी असर। लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, गुड्स एवं सर्विस टैक्स ई बिल को लेकर व्यापारिक संस्था द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। देश भर के 8 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले करीब 40,000 ट्रेड एसोसिएशन ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से किए जाने वाले भारत बंद का समर्थन किया है। कोलकाता में व्यवसायी के ठिकाने पर CBI की छापेमारी। कोयला घोटाला की आज एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर तक पहुंच चुकी है और उनकी बहू से इस बारे में पूछताछ हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इसकी जांच तेज कर दी है। CBI की तरफ से शुक्रवार को एक व्यवसायी की कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। लगातार दूसरे दिन भी कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए मामले। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने लगी है। लगातार दूसरे दिन 16,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस आए हैं। वहीं एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 14वें स्थान पर आ गया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। नासिक नहीं, हैदराबाद में होगी सेना भर्ती रैली। रक्षा मंत्रालय ने टाला कोरोना में 1,213 पदों पर भर्ती का संकट। कोरोना जैसी आपदा में सेना की एक तरकीब बेरोजगार युवकों के लिए अवसर बनकर आएगी। महाराष्ट्र के नासिक रोड स्थित सेना की आरटी सेंटर में यूनिट हेड क्वार्टर कोटा के तहत होने वाली भर्ती रैली को दो बार टाला गया है। कोरोना के कारण महाराष्ट्र सरकार भर्ती रैली की अनुमति नहीं दे रही थी। इसके चलते 31 मार्च 2021 से पहले आरटी सेंटर के लिए आवंटित 1,213 पदों की सरेंडर होने की आशंका बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव तारीख की घोषणा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है जहां मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा इलेक्शन डिटेल के बारे में ऐलान कर रहे हैं। वहीं असम में 3, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में सिंगल चरण में 27 मार्च को चुनाव होंगे और पश्चिम बंगाल में 8 चरणों का मतदान 27 मार्च से 29 अप्रैल तक होगा। इसी के साथ 2 मई को 5 राज्यों में परिणाम घोषित किए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।